जय हिंद दोस्तों, गार्डन हॉबी में आपका फिर से स्वागत है। उस बार हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एस्ट्रो फाइटम कैक्टस की, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं बिगबी कार्ट से। तो देखते हैं जल्दी से कि ये कैक्टस कैसे हैं, मैं आपको इसकी फुल अनबॉक्सिंग कर दिखाता हूँ। ये है ग्राफ्टेड एस्ट्रो फाइटम, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये मैंने बिगबी कार्ट से परचेज़ किए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो कैक्टस है मुझे 700 रुपये का, ये एक कैक्टस मुझे ये मिला है, और साइज़ इनका बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं, और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। अभी मैंने आपके सामने ये बॉक्स ओपन किया है, और कोई भी कैक्टस डैमेज नहीं है, केवल ये दो पफ्ते जो एक कैक्टस से अलग हो गए हैं, और वो कैक्टस ये है। तो शिपिंग में इतना तो हो जाता है कि अगर कोई पफ है जैसे ये, तो ये हट सकता है। साइज़ की बात करें तो साइज़ बहुत मतलब एक मैच्योर कैक्टस है जो मुझे मिले हैं। अभी मैं इन्हें आपको ये जो फॉर्म लगी हुई है इसे हटा देता हूँ, क्योंकि ये एक कैक्टस पर ग्राफ्टेड होता है, जिसकी वजह से इसे ये सपोर्ट मिली हुई है, और इसी वजह से जो है शिपिंग में ये इससे अलग नहीं हुआ। तो मैं अभी फ़िलहाल में इसे हटाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये है ग्राफ्टेड कैक्टस एस्ट्रोफाइटम।
एकदम हेल्थी प्लांट है। तो अगर आप पीको ये कैक्टस ख़रीदने हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कैक्टस ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर दोनों ऑप्शन है, ग्राफ्टेड भी है और नॉन ग्राफ्टेड भी है। आप चाहें तो डायरेक्ट जिसे आप पॉट में लगा सकें आप सीधा एस्टोफाइटम को वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। कैक्टस अनबॉक्स कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि सभी कैक्टस जो हैं एकदम हेल्थी हैं और एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। और मैं फिर बता देता हूं कि ये जो कैक्टस है, मुझे एक कैक्टस ये 700 रुपये का पड़ा है और मैंने टोटल 5 कैक्टस ये ऑर्डर किए थे और पांचों कैक्टस एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। अभी मुझे बस क्या है, इन्हें गमले में लगाना है। उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको मिल जाएगी इन कैक्टस को रिपोर्ट करने की। तो फिलहाल में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कैक्टस हैं। आपको ख़रीदने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने बिगबी कार्ट से मैंने परचेज़ किया है और वहाँ से जाकर आप ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो ग्राफ्टेड एस्टोफाइटम ख़रीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो सीधा पॉट में लगाने के लिए भी कैक्टस ख़रीद सकते हैं। वो नॉन ग्राफ्टेड होगा, सीधा आपको ये जो कैक्टस ऊपर दिख रहा है ये डायरेक्ट आपका पॉट जो होता है गमला उसमें लगा हुआ मिलेगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप जो है ग्राफ्टेड कैक्टस मत लीजिए, आप सीधा एस्टोफाइटम ख़रीद सकते हैं और उसे सीधा आपको गमले में लगा हुआ आएगा और आप उसे कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप ग्राफ्टेड ख़रीदते हैं तो इसे थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये जो आप देख रहे हैं ये गलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है फिर इसे आपको केयर करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप नॉन ग्राफ्टेड ख़रीदें तो ज़्यादा बेटर है।
तो ये है मेरे कैक्टस।